हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आपकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपकी ये न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक्सक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में हम थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। पर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB है। इसमें पोस्ट नेम है वो आपका एक्सक्यूटिव ऑन कॉन्टैक्ट है। इसमें आपके अटैच जो नंबर है वो आपके IPPB/CEO/HR/REC/2023-04 है। इसमें आपके नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी है वो आपकी 132 पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 30,000 रुपये रहने वाली है। अप्लाई लास्ट डेट फॉर्म की 16/8/2023 है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी @IPPBonline.com है। इसमें आपके अगर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम देखें तो इसमें आपकी स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी 26/7/2023 है। लास्ट डेट आपकी फॉर्म अप्लाई करने की 16/8/2023 है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी अनरिजर्व OBC EWS की 300 रुपये फीस है। SC ST PWD की आपकी 100 रुपये फीस है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। एज लिमिट एज ऑन 1/6/2023 के अकॉर्डिंग आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर आपकी बताई हुई है और एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कौन सी डिटेल है उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ आपका पोस्ट नेम, आपकी कैटेगरी, आपकी जो पोस्ट नंबर है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो आपका जो पोस्ट नेम है वो आपका एक्सक्यूटिव है। इसमें आपकी कैटेगरी है वो आपकी अनरिजर्व EWS OBC SC ST में डिवाइड की हुई है और इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी अनरिजर्व की आपकी 56 पोस्ट है, EWS की आपकी 13 पोस्ट है, OBC की आपकी 35 पोस्ट है, SC की आपकी 19 पोस्ट है, ST की आपकी 9 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में आपके पास होनी चाहिए। टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 132 पोस्ट है। यहाँ पे आपकी जो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है उन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो आपके सर्किल है, स्टेट है और नंबर ऑफ आपकी पोस्ट है, तो आम में आपकी आसाम में आपकी 26 पोस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी 27 पोस्ट हैं, हिमाचल प्रदेश में आपकी 12 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी 7 पोस्ट हैं, लद्दाख में आपकी 1 पोस्ट है। इसके अलावा आपकी नॉर्थ ईस्ट में आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपकी 10 पोस्ट हैं, मणिपुर में आपकी 9 पोस्ट हैं, मेघालय में आपकी 8 पोस्ट हैं, मिजोरम में आपकी 6 पोस्ट हैं, नागालैंड में आपकी 9 पोस्ट हैं, त्रिपुरा में आपकी 5 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में आपकी 12 पोस्ट हैं। तो इस तरह जो आपकी टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 132 पोस्ट हैं। इसकी अनुबंधन जो अवधि है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो आपकी अनुबंधन प्रारंभ में आपके 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे आपको 2 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष दर भर आधार पर विस्तार के लिए समीक्षा की जा सकती है। इस अनुबंधन की अवधि अधिकतम आपकी 3 वर्ष होगी और इसमें आपकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो चयन ऑनलाइन टेस्ट और समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर आपका किया जाएगा। केवल पात्रता मापदंडों को पूरा करने से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार, समूह चर्चा या ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाने का हकदार आप नहीं होंगे। IPPB के पास उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल, नौकरी आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रारंभ स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्ट के बाद मूल्यांकन, साक्षात्कार, समूह चर्चा या ऑनलाइन टेस्ट के लिए केवल अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार को बुलाने का अधिकार उनके पास ये सुरक्षित है। तो वो अपने अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट IPPB के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, फॉर्म फिल की वीडियो भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।